सेवा परम काम है, गौ सेवा परम काम है, उसके चरणों में चारों का। तो आज हम यहाँ पे भी जो एक मकसद हमारे कैंप का था और दूसरा मकसद था कि भी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें और देव दिवाली पे यहाँ का जो आयोजन हो रहा है उसको देखें, दोनों ही काम हमारे फलीभूत हो रहे हैं। ये जो गौ सेवा का जो कार्यक्रम है ये एक बड़ा वैदिक क्रिया है, क्योंकि ये वास्तव में जो गाय है वो हमारी माँ स्वरूप है, जगत माता है, और हमारे शास्त्रों में कहा है कि यदि गाय के पेट की जो धूल को यदि हम अपने चरण मस्तक पे लगा लें तो चारों धाम के दर्शन हमारे हो जाते हैं। बाकी दूध के बाद गाय का दूध सबसे ज़्यादा पवित्र और पौष्टिक माना जाता है। उन सब मान्यता के कारण गाय पालन एक अपने आप में एक वायबल पोजीशन है हर गांव के परिवार में, और उसकी आमदनी भी थी, उसकी छोटी खेती के लिए उसके लिए खाद बन जाती थी, और अब वो दिन प्रतिदिन डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं और हमको इस प्रकार का आयोजन करना है। ये जो बेसिक हमारी समस्या है सरकार भी उसके लिए सोच रही है, और जरूर में जिस हिसाब से गौमूत्र के डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि वो वास्तव में सत्य है, सच्चाई है, तो उसका अपने आप में कोई रिसर्च हो ही रही है, वो बढ़ती जाएगी। अब ये जो गौ सेवा, ये जो गौ अभियान है, गौ शक्ति अभियान, उसमें गाय का जो इलाज के जो कैंप भारत में हम लगा रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, बनारस की इस बार शुरू करी है और इसको बढ़ाएंगे, उसमें कि जो गाय प्लास्टिक खा लेती है, गाय को बीमारियां होती है, कोई उसको गांव में उसकी देखभाल नहीं कर पाता, उनको मालूम नहीं, तो फाउंडेशन वहाँ के वेटरनरी कॉलेज हॉस्पिटल के साथ में सहयोग से, डॉक्टरों की मदद से, उन सबके सहयोग से इस टाइप के जो आयोजन करती है, उसमें जो भी बीमार गाय होती हैं उनके लिए साल भर की दवाई उनको दे दें, उनको चेक कर लें, डॉक्टर लोग मदद करते हैं, सभी लोग की आंतरिक इच्छा होती है मदद करें, तो उससे एक हम गाय की सेवा करते हैं, इस प्रकार का एक योजना है।